से पहले तो मैं एमए तृतीय सेमेस्टर में सभी विद्यार्थी द्वितीय सेमेस्टर से प्रमोट कर जाएं, इसके लिए मैं शुभकामना देता हूं। जो विद्यार्थी विभाग में एमए द्वितीय सेमेस्टर के रहे हैं, वे सभी तृतीय सेमेस्टर के भी विद्यार्थी हो जाएं, मेरी ऐसी शुभकामना है आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हो कि एमए तृतीय सेमेस्टर की कक्षाएं ऑनलाइन विभाग के लगभग सभी शिक्षकों द्वारा संचालित की जा रही हैं। उसी क्रम में मैं आपको एमए तृतीय सेमेस्टर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, मौद्रिक अर्थशास्त्र मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, उस पर चर्चा में करूँगा। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि एमए तृतीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र में अर्थात मौद्रिक अर्थशास्त्र में जो टॉपिक समाहित किए गए हैं, उनकी उपाध्यायता क्या है, इसको हम लोग समझें। एक तरह का इंट्रोडक्टरी परिचर्चा आपके साथ, पेपर के नाम से आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि इस पेपर में मुद्रा से संबंधित जो विभिन्न आयाम हैं, उन्हीं पर चर्चा होनी है। चूंकि मौद्रिक अर्थशास्त्र है जिसमें मुद्रा से संबंधित पहला जो सवाल होगा मन में हम लोगों के, वह है कि मुद्रा होती क्या, अर्थात मुद्रा की परिभाषा क्या है। कोई भी विषय जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी परिभाषा ही आती है, लेकिन किसी विषय को परिभाषित करना बहुत कठिन होता है। कारण, किसी विषय में जो विषय वस्तु होती है बहुत विस्तृत होती है, उस विस्तृत विषय वस्तु को कुछ शब्दों में व्यक्त करने की कला बहुत आसान नहीं है, और यही कम शब्दों में व्यक्त करने का जो हुनर है, बहुत सुसंगठित शब्दों में व्यक्त किया जाए, उसको हम परिभाषा कहते हैं। इसलिए इस पूरे विषय वस्तु को परिभाषा के रूप में समझना कठिन है, लेकिन कई सारे ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने मुद्रा की परिभाषाएं दी हुई हैं। जो हम विषय पढ़ते हैं, यह एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, समय के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है, तो निश्चित रूप से मुद्रा की जो परिभाषा दी गई है उसमें भी निरंतर परिवर्तन होता गया है। मुद्रा की जो एक तरह का कहें उद्भव, मुद्रा का जो उद्भव हुआ, जो विकास क्रम चला, उसी विकास क्रम के साथ साथ परिभाषाओं में भी परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। दूसरी बात कि कितने तरह की मुद्रा प्रयोग, यानी टाइप्स ऑफ मनी कितने तरह की है, कई तरह की है, जिस पर हम लोग चर्चा डिटेल बाद में करेंगे। इसके साथ ही साथ मन में कहीं ना कहीं ये विचार आ रहा होगा कि जो विषय अर्थशास्त्र से संबंधित होता है, किसी भी लेमैन से पूछिए कि अर्थशास्त्र क्या है, तो संभवतः आपको यह उत्तर देता है कि अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति की चर्चा की जाती है, वही अर्थशास्त्र है। निश्चित रूप से वह जो कहता है उसको हम बहुत ठंडे दिमाग से सोचें तो ये बातें काफ़ी हद तक सही हैं। अर्थशास्त्र के जितने भी ब्रांच हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, जिसमें से हम एक शाखा मौद्रिक अर्थशास्त्र को हम लोग पढ़ेंगे, इसमें भी मुद्रा के मांग और मुद्रा के पूर्ति पर से संबंधित जितने भी आयाम हैं उन्हीं पर चर्चा की गई है। मुद्रा की मांग पर से संबंधित जो आयाम हैं उनकी हम चर्चा एमए तृतीय सेमेस्टर में करेंगे, और आपूर्ति पर से संबंधित जो भी आयाम होंगे उनकी चर्चा हम
एमए फोर्थ सेमेस्टर में करेंगे, तभी मांग पद से संबंधित जो विभिन्न आयाम हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मुद्रा की परिभाषाओं के बाद जो कई तरह की मुद्राओं की चर्चा की जाएगी, मुद्रा का क्या कार्य है, क्या महत्व है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मुद्रा का जो मांग है उससे संबंधित कई सारे अर्थशास्त्रियों के अपने दृष्टिकोण हैं, उन दृष्टिकोणों पर डिटेल चर्चा की जाएगी। जैसे एक क्लासिकल अप्रोच है जिसमें हम ट्रांजेक्शन अप्रोच और कैम्ब्रिज अप्रोच को शामिल कर सकते हैं, जो मुद्रा की मांग के लिए कुछ एक घटक को जिम्मेदार मानते हैं। ट्रांजेक्शन अप्रोच में कुछ और है, कैम्ब्रिज अप्रोच में कुछ और है, लेकिन जो उद्देश्य है लगभग एक ही तरह का है, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद किंजियन अप्रोच आता है। किंजियन अप्रोच जो है, किन्स ने जो है मुद्रा की मांग के संदर्भ में अपना एक दृष्टिकोण दिया है जो हम लगभग पढ़ते आए हैं, यहाँ भी हम पढ़ेंगे उसको, डिटेल पढ़ेंगे। पोस्ट किंजियन अप्रोच में कई सारे नाम आते हैं, जैसे जेम्स टॉबिन का नाम आता है, बॉमेल का नाम आता है, मिल्टन फ्रिडमैन का नाम आता है, डान पेटेंकिन का नाम आता है। इन सब ने ये चर्चा की है कि मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, मुद्रा मांग के सिद्धांत क्या हैं, यानी जो अप्रोचेज हैं एक सिद्धांत के रूप में। क्लासिकल एक थियोरी है मुद्रा मांग की, किंजियन थियोरी है मुद्रा मांग की, टॉबिन्स की थियोरी है मुद्रा मांग की, जो टॉबिन्स की थियोरी है उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो वैलेंस थियोरी, जो बॉमेल की थियोरी है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल थियोरी, इन्वेंट्री कंट्रोल थियोरी हम पढ़ते हैं उसको जानते हैं। एक और थियोरी जिसे टॉबिन को मैंने कहा कि पोर्टफोलियो जो बैलेंस मॉडल है इसको हम रिस्क एवर्सन थियोरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस के नाम से भी जानते हैं। डान पेटेंकिन का जो अप्रोच है उसे रियल बैलेंस अप्रोच के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से मिल्टन फ्रिडमैन का नाम हमने लिया, मिल्टन फ्रिडमैन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। एक फेज था जब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के जो एजम्पशंस थे, जिस एजम्पशन पर उन्होंने थ्योरी परफॉर्म की थी, और उस एजम्पशंस को किन्स ने 1930 के बाद जब खारिज किया तो एक नया अप्रोच दिया किन्स ने। लेकिन किन्स के बाद जैसा कि मैंने कई सारा नाम बताया, टॉबिन का मैंने नाम लिया, मैंने बॉमेल का नाम लिया जिनकी थ्योरी हमें पढ़नी है इन्वेंट्री थ्योरी, हमने डान पेटेंकिन का नाम लिया इनको पढ़ना है, मिल्टन फ्रिडमैन का भी नाम लिया। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आप पाएंगे जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसमें आप पाएंगे कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो किन्स का अप्रोच था, जो काफ़ी हद तक जो हम कहें कि वे जो गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंस दे रहा था और मॉनेटरी पॉलिसी के रोल को इग्नोर कर रहा था, बाद में लगा कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद कि नहीं, जो मौद्रिक नीति है वो कम महत्वपूर्ण नहीं है, और मुद्रा मांग का एक फंक्शन ऑफ डिमांड फॉर मनी मिल्टन फ्रिडमैन ने दिया। ये एक तरह का हम कहें मौद्रिक अर्थशास्त्री हैं मिल्टन फ्रिडमैन, जिनका विचार बहुत ही प्रासंगिक है, और मुद्रा मांग के जो लिए जिम्मेदार कारक हैं, यानी मुद्रा की हम कहें कि मुद्रा का जो एक विस्तृत जो धारणा है उसको मिल्टन फ्रिडमैन ने उजागर किया है, जिसको डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे। उसके साथ ही साथ बात आती है कि मुद्रा के मूल्य को कैसे मापा जाए, इसके लिए भी बहुत सारी थ्योरी है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मुद्रा मांग के जो सिद्धांत हैं
वो कहीं ना कहीं मुद्रा के मूल्य को भी मापने के सिद्धांत के रूप में हम पढ़ते हैं। जैसे एक है थियरी, क्लासिकल थियरी से कहते हैं क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, जिसके दो अप्रोचेज हैं। एक है ट्रांजेक्शन अप्रोच, जिसे फिशर ने दिया था, वो हमें पढ़ना है, आपके सिलेबस में रखा गया। दूसरा कैम्ब्रिज अप्रोच या कैश बैलेंस अप्रोच, जिसमें कैम्ब्रिज स्कूल के जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने दिया था, अलग अलग उनके इक्वेशंस हैं जिसको डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। अप्रोच दोनों का लगभग एक ही है, एक जो मनी का जो फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिशर अप्रोच, फिशर महत्व देते हैं, जबकि जो स्टोर ऑफ वैल्यू है, यानी भविष्य में भी एक स्टोर ऑफ वैल्यू किस लिए करते हैं, ताकि भविष्य में हम एक्सचेंज कर सकें, यानी वो भी एक्सचेंज से रिलेटेड है, तो उस पर जोर दिया कैम्ब्रिज अप्रोच के लोगों ने, जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कैम्ब्रिज अप्रोच में अपनी बात, इसको अपनी बात को कही। तो ये जो दो अप्रोच हैं इनको क्लासिकल अप्रोच कहते हैं। बाद में किन्सियन अप्रोच आता है। किन्सियन अप्रोच में जो को मुद्रा के मूल्य को मापने के लिए किन्स ने जो अप्रोच दिया, पहले उन्होंने दिया था जिसे हम जानते हैं फंडामेंटल इक्वेशन, एक फंडामेंटल इक्वेशन दिया था जिसके माध्यम से उन्होंने मुद्रा के मूल्य को मापने का प्रयास किया। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको यदि हम जिनको हम थोड़ा बदल दें तो ठीक जो किन्स का फंडामेंटल इक्वेशंस है वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के इक्वेशंस की तरह ही कार्य करता है। बाद में किन्स को लगा कि नहीं, ये इन्वेस्टमेंट को भी शामिल करना चाहिए, तो एक दूसरी थ्योरी फिर मुद्रा के मूल्य के मापने के लिए किन्स ने दिया, जिसे कहते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्योरी, मुद्रा मूल्य मापने का एक और सिद्धांत दिया। विक्सेल, एक नट विक्सेल एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने प्राकृतिक ब्याज दर की चर्चा की, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके माध्यम से जो किन्स का सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्योरी था मुद्रा मूल्य के निर्धारण के लिए, उसमें कुछ उन्होंने, उनका एक वर्जन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नट विक्सेल का जो वर्जन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ हम बात करें तो किन्स के बाद, किन्स का जो अप्रोच है इसके बाद मुद्रा मापने के, मुद्रा के मूल्य को मापने के लिए कई और सिद्धांत हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक थ्योरी है डन पैटिंकिन की, जो रियल बैलेंस अप्रोच डिमांड में मैंने कहा था, एक जनरल मॉडल डन पैटिंकिन ने दिया जिसमें कई सारे बाजारों को एकत्रित किया, यानी जो चार बाजार हैं, मनी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, लेबर मार्केट है, इन तीनों मार्केट को इंटीग्रेट करके मुद्रा के मूल्य को मापने का एक प्रयास किया है। एक बहुत अच्छा अप्रोच है जिसको डिटेल हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ टॉबिन का एक न्यूट्रलिटी, जो एक मनी न्यूट्रलिटी का जो एक अप्रोच है, एक दृष्टिकोण है, नया दृष्टिकोण है, बहुत अच्छा है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो मुद्रा मांग से संबंधित जो मुद्रा मूल्य को मापने के जो सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों की चर्चा हम लोग करेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होते हैं, मुद्रा के मूल्य में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन की दिशा है, उस दिशा के आधार पर उन्हें एक विशेष टर्म दिया गया है। जैसे मुद्रा के मूल्य में यदि परिवर्तन कुछ ऐसे हो रहा है, जैसे मान लें हम मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही है, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो मुद्रा के मूल्य में कमी या वृद्धि की जो दिशा है, इस दिशा को अर्थशास्त्र में विशेष नाम से जाना जाता है। जैसे मुद्रा के मूल्य में यदि कमी हो रही है, इन्फ्लेशन हम कहते हैं, तो आपके सिलेबस में है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य माप लिया गया है कि मुद्रा के मूल्य में स्थिरता बनी रहे, जरूरी नहीं है मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होगा, तो यदि मुद्रा का मूल्य घट रहा है तो उसको एक टर्म हम आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो उसे हम बोलते हैं डिफ्लेशन। मुद्रा के मूल्य में यदि कमी हो रही है, उसके कारण क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है या कास्ट पुल इन्फ्लेशन है, उसके क्या इफेक्ट होगा इकोनॉमी पर, इसका डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक इसी प्रकार डिफ्लेशन जो अस्फीति है, मुद्रा के मूल्य में जो वृद्धि है, यानी मुद्रा का जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ रहा हो, मुद्रा का परचेजिंग पावर बढ़ रहा हो, क्योंकि मुद्रा के मूल्य को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी, इन टर्म्स ऑफ काइंड्स,
वस्तुओं की मात्रा के रूप में हम मुद्रा के मूल्य को मापते हैं। इसी के साथ ही साथ मैंने जैसा कि आपसे कहा कि इन्फ्लेशन के संदर्भ में क्या कारण हैं, इन्फ्लेशन के क्या कारण उसके हैं, उसके क्या प्रभाव हैं, ठीक इसी प्रकार डिफ्लेशन के क्या कारण हैं, क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल चर्चा आपके सिलेबस में है जिसे हम डिटेल पढ़ेंगे। साथ ही साथ स्टेगफ्लेशन एक स्थिति है, वो भी स्टेगफ्लेशन भी स्थिति है मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का ही। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी एक स्थिति है जो बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से विकासशील देशों के संदर्भ में, जिसको डिटेल हम लोग देखेंगे। इसी के साथ ही साथ आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में भी एक रिलेशन है, इन दोनों के बीच में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन है। इस रिलेशन को बताने के लिए फिलिप्स ने एक एम्पिरिकल स्टडी किया, अनुभवजनित अध्ययन, यानी विभिन्न देशों का आंकड़े एकत्रित किया, एकत्रित करके उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखा, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। एक विशेष प्रकार का एक डाउनवर्ड स्लोपिंग उसने कर्व दिया जिसे बोलते हैं फिलिप्स कर्व, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बाद में उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी किए गए, जैसे हम बात करें तो बाद में एक आया एडाप्टिव अप्रोच, एक एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन अप्रोच दिया, जिसको हम फ्रिडमैन ने दिया था, जो एक तरह काम कर सकते हैं सुधार है, जो फिलिप्स कर्व है उस पर एक सुधार है, एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन अप्रोच जिसे बोलते हैं अनुकूलित प्रत्याशा परिकल्पना, एक अप्रोच आया। उसके बाद आया रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, एक और अप्रोच आया जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, एक नया टर्म हमको सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, इसको डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जो रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है, इसको डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक और थ्योरी है इसी से संबंधित, उस थ्योरी के बारे में भी हम, वो एक एडवांस थ्योरी है, वेंट की थ्योरी है, वेंट की थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे, और एक नया होगा आपके लिए, क्योंकि आपने अभी तक कुछ सिद्धांतों के कुछ एक जो हम कहें एक बैकग्राउंड आपके दिमाग में बना हुआ है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन स्टेगफ्लेशन रिफ्लेशन स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इन सब के बारे में एक बैकग्राउंड आपके दिमाग में है, उसको बहुत डिटेल हम लोग इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ मुद्रा की चूंकि एक इंटरनल वैल्यू होती है, इंटरनल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ काइंड्स, वस्तुओं के संदर्भ में, अपने देश की वस्तुओं, जिससे हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो मुद्रा की एक इकाई से उस वस्तु की कितनी मात्रा मिलती है वह हो गई मुद्रा का मूल्य, वह मुद्रा का मूल्य है, ये आंतरिक मूल्य है। एक मुद्रा का बाह्य मूल्य भी होता है, लेकिन मुद्रा का बाह्य मूल्य की जब बात करते हैं तो वो निर्भर करता है कि यानी अपने देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश के मुद्रा की मात्रा के रूप में व्यक्त करना, यानी देश की किसी देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा के रूप में व्यक्त करना, जिसे हम बोलते हैं, आप पढ़ते आए हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज, विदेशी विनिमय दर, ये एक तरह का क्या होता है, मुद्रा का बाह्य मूल्य होता है। तो दोनों मूल्य हमको पढ़ना है, मुद्रा का आंतरिक मूल्य जिसके बारे में हमने अभी तक चर्चा की है, और मुद्रा का बाह्य मूल्य भी, मुद्रा के बाह्य मूल्य यानी रेट ऑफ एक्सचेंज को निर्धारित करने के लिए कई सारे सिद्धांत आपने BA2 में भी पढ़ा होगा, और यहाँ उन सिद्धांतों को भी हम डिटेल पढ़ेंगे, मुख्य रूप से मीन पावर पैरिटी थ्योरी आपने पढ़ा है, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी पढ़ा है, मीन पैरिटी थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, और डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी है उसको भी पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी इस सिलेबस में अभी हमको दो ही सिद्धांत पढ़ना है, एक तो स्वर्ण मान समता सिद्धांत और दूसरा क्रय शक्ति समता सिद्धांत, यानी मीन पैरिटी थ्योरी और दूसरा परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, दो ही थ्योरी आपके सिलेबस में है, तृतीय सेमेस्टर में आपको पढ़ने हैं।
तो जो मुद्रा का बाह्य मूल्य है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी मुद्रा का आंतरिक मूल्य, मुद्रा का बाह्य मूल्य, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। मुद्रा के आंतरिक मूल्य को मैंने कहा कि आंतरिक मूल्य, मुद्रा का आंतरिक मूल्य यदि परिवर्तित हो रहा है तो उसको कई नामों से हम जानते हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टेगफ्लेशन, रिफ्लेशन, ये कई सारे नाम हैं। लेकिन उसमें जो ये तो परिवर्तन हो गया, परिवर्तन की दिशा है, ये जो जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा को हम एक स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं, एक टर्म इकोनॉमिक्स में दे रहे हैं, एक टर्म है। लेकिन उसमें परिवर्तन की दर क्या है, मात्रा क्या है, ये तो क्वालिटेटिव एनालिसिस एक तरह का। लेकिन परिमाणात्मक विश्लेषण हम बात करते हैं तो मुद्रा के मूल्य में यदि वृद्धि हो रही है तो उसकी दर क्या है, कितनी मात्रा में वृद्धि हो रही है, मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही है, किस मात्रा में कमी हो रही है, जब इसकी हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं। आपके सिलेबस में इंडेक्स नंबर भी है कि सूचकांक कैसे निकाला जाता है, सूचकांक के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी आपके सिलेबस में इंडेक्स के बारे में आपको पढ़ना है। इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं आप जानते हो कि एक तो है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर बनाते हैं, दूसरा चेन बेस इंडेक्स नंबर बनाते हैं। इन दोनों के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, यहाँ भी हम चर्चा करेंगे, चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही साथ आपके सिलेबस में आपने देखा होगा कि जो मैंने पहले भी कहा था कि सप्लाई साइड से संबंधित तो वो सारे विषय, क्योंकि मुद्र अर्थशास्त्र में हमेशा मांग और पूर्ति के बीच सामंजस्य की हम बात करते हैं, और मांग और पूर्ति के सामंजस्य ऐसे होनी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न हो सकें। अनुकूल स्थिति का मतलब क्या हुआ कि आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक उद्देश्य मतलब क्या हो गया कि ग्रोथ को एक्सीलरेट कर सकें, हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकें, प्राइस स्टेबलाइजेशन हो। प्राइस स्टेबलाइजेशन का मतलब नहीं है कि कीमतें स्थिर हों, बल्कि कीमतों में परिवर्तन हो, वृद्धि हो, लेकिन एक स्थिर दर से हो, एक उचित दर से हो। साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक आस्पेक्ट्स है अर्थशास्त्र में वो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ग्रोथ एक्सीलरेट करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, प्राइस स्टेबलाइजेशन की स्थिति हो, और साथ ही साथ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की ओर अर्थव्यवस्था जाए, ये उद्देश्य होते हैं। कोई भी पॉलिसी हम बात करें, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे फिजिकल पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो, इसके बाहर हम नहीं जाते हैं। ये मुख्य मेन उद्देश्य, इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके मुद्रा की जो मात्रा है, मुद्रा की जो आपूर्ति है, उसको नियंत्रित करने की बात की जाती है। अब जहाँ मुद्रा की बात आती है तो आप थोड़ा ध्यान दें कि हम लोग प्राय आपके सिलेबस में जो हम डिस्कस करेंगे तो प्राय आज की चर्चा करेंगे कि जो मनी है ये क्या मनी है, आउटसाइड मनी है या इनसाइड मनी है, इंडोजेनस मनी है, एक्सोजेनस मनी है, ये चर्चा, ये टर्म प्रयोग किए जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे हम प्रयोग करेंगे। प्राय आप देखोगे कि क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी या उसके बाद किन्स के बाद की जो थियोरी, जितनी भी मुद्रा के मूल्य, मुद्रा मांग के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में जब हम लोग पढ़ेंगे तो प्राय उसमें देखने को मिलेगा कि हम आउटसाइड मनी की ही बात कर रहे हैं, यानी मुद्रा, वह मुद्रा, उस मुद्रा की हम बात कर रहे हैं जिसे सरकार जारी करती है या जिसे देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है। जिसे देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है, जिन मुद्राओं को सरकार जारी करती है, उसको हम आउटसाइड मनी कहते हैं, बाह्य मुद्रा कहते हैं, एक्सोजेनस मनी कहते हैं, उन्हीं पर चर्चा की जाती है। लेकिन आप जब पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करोगे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब इस सेमेस्टर में नहीं आगे, लेकिन ये जो विषय है, ये जो पेपर है, ये पेपर तभी कंप्लीट हो पाएगा जबकि दोनों सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे। तो जो सप्लाई, जो मैंने अभी कहा कि जो इनसाइड मनी है, जो एक तरह का हम मोटे तौर पर अभी आपको बता दें कि वो एक तरह की क्रेडिट मनी है, एक तरह की जो साख मुद्रा है, इन साइड मनी है, जो क्योंकि मुद्रा एक आंतरिक मुद्रा भी है, बाह्य मुद्रा भी है, और उन दोनों मुद्राओं का महत्व अर्थव्यवस्था के लिए है, अर्थव्यवस्था को दोनों मुद्राएं प्रभावित करती हैं, इसलिए दोनों तरह की मुद्राओं पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। आज के समय में जो पॉलिसी तय होती है, आप देखो कि जो देश, किसी भी देश में, किसी भी देश की हम बात करें, आउटसाइड मनी की अपेक्षा जो इनसाइड मनी है वो बहुत अधिक है,
लगभग, यदि मैं इन जनरल बात करूं तो ऑन एन एवरेज लगभग हर कंट्री में इनसाइड मनी की तुलना में आउटसाइड मनी का हिस्सा 1/5 है, यानी 20% आउटसाइड मनी है और 80% इनसाइड मनी है। तो आपको क्या लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण यदि मुद्रा की आपूर्ति को हम नियंत्रित करना चाहते हैं, नियंत्रित मतलब क्या होगा, नियंत्रित मतलब कम करना नहीं होता, नियंत्रित मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आर्थिक हमारे उद्देश्य हैं उन आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा की वास्तव में मात्रा कितनी होनी चाहिए, कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से अधिक है, उन आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखें तो उससे उसके सापेक्ष अधिक दिखती है, सो कम किया जाना चाहिए। यदि मुद्रा की मात्रा उन आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के सापेक्ष कम लगती है तो मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन कौन सी मुद्रा, क्या आउटसाइड मनी? नो, बल्कि हम आज पूरी तरह निर्भर करते हैं इनसाइड मनी पर, इनसाइड मनी जो आंतरिक मुद्रा है उनको, और आंतरिक मुद्राओं का काफ़ी हद तक जो सृजन है वो जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हैं, जो वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो दो हो सकती हैं, बैंकिंग भी हो सकती हैं और नॉन बैंकिंग भी हो सकती हैं। बैंकिंग संस्थाएं भी हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के रूप में, नॉन बैंकिंग संस्थाएं भी हैं, दोनों का रोल है, हम डिटेल इस पर चर्चा करेंगे। इसीलिए पॉलिसी की जब बात की जाती है तो आप देखिए हमेशा जब भी यदि हम अपने देश की बात करें तो मौद्रिक नीति जब भी आती है, जब हम कहते हैं कि मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक हुई है तो उसमें जोर दिया जाता है किस पर, इनसाइड मनी पर। इनसाइड मनी को रेगुलेट किया जाता है कि आंतरिक मुद्रा को कैसे नियंत्रित किया जाए। आंतरिक मुद्रा, आंतरिक मुद्रा दोनों चीज़ें, मैं फिर कह रहा हूँ, यानी मुद्रा का जो आंतरिक मूल्य है, जो आंतरिक मुद्रा का मात्रा है उसको भी, और साथ ही साथ बाह्य मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए, बाह्य मुद्रा के बाह्य मूल्य को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया, वो भी एक ही संस्था करती है, वो कौन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रेट ऑफ एक्सचेंज है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज एक टर्म यूज किया था, इंडियन कानून के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो उसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी जो भी एक्सचेंज रेट है वो मैनेज किया जाता किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसलिए जो भी फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेक्स है, फॉरेक्स रिजर्व है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होती है। क्यों? क्योंकि वह देश का केंद्रीय बैंक है, देश के संदर्भ में बात करें देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक। यही स्थिति दुनिया के लगभग हर देशों की है, जो उस देश का सेंट्रल बैंक है जिनको अलग अलग नामों से जानते हैं, वो पूरा का पूरा जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है, पूरा उसकी जिम्मेदारी होती है। आउटसाइड मनी वही इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करती है, और जो इनसाइड मनी है, जो मैंने कहा बैंकिंग संस्थाएं हैं, जो बैंकिंग संस्थाएं हैं, नॉन बैंकिंग संस्थाएं भी हैं, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इन दोनों, ये दोनों संचालित होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ये भारत की बात करें, दूसरे देशों की बात करें तो केंद्रीय बैंक से संचालित होते हैं, यानी पूरा का पूरा एक मॉनेटरी जो अथॉरिटी है उसको रेगुलेट करती है उस देश का सेंट्रल बैंक। तो इनसाइड मनी कैसे क्रिएट होती है, आउटसाइड मनी कैसे इशू की जाती है, इसके बारे में डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। एक बहुत लंबा सिलेबस है, कई सारे नए टर्म हमको जानने को मिलेंगे, इस सेमेस्टर में तो कम, लेकिन अगले सेमेस्टर में बहुत अधिक ऐसे टर्म हम प्रयोग करेंगे और हम लोग समझेंगे। मैं चाहूँगा कि इस विषय को, इस पेपर को पढ़ने के लिए जो आपका पूर्व का अध्ययन है, मनी बैंकिंग का जो आपने अध्ययन किया है बीए स्तर तक, उसको एक बार थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ कर लें ताकि इस पेपर को पढ़ने में आसानी हो, आसानी से इस पेपर को हम लोग पढ़ें। आज के लिए इतना ही, ये सिलेबस पर मैंने एक छोटी सी चर्चा की, और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यह पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पेपर की जो उपाध्यायता है प्रतियोगी परीक्षाओं में वो बहुत अधिक है,
और इसके बाद जो अगले सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे इस पेपर से संबंध इस पेपर से संबंधित जो कुछ पोर्शन सप्लाई साइड से रिलेटेड है उसकी महत्ता बहुत अधिक है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसलिए विषय तो सभी सारे पेपर जितने भी पेपर रखे गए हैं वो सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई पेपर महत्वपूर्ण नहीं है, सारे पेपर महत्वपूर्ण हैं। अभी पर्याप्त समय है आपका, लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस समय का सदुपयोग करें आप और पूर्व में अध्ययन करके हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। आगे हम प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन क्लास भी आपके आपका लें हम, जो ई कंटेंट है उसको भी उपलब्ध कराएं ताकि सुगम हो। निश्चित रूप से कि जो एक वातावरण, एक जो माहौल विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में क्लास में बन पाता है वो ऑनलाइन क्लास में नहीं होगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ इस तरह से इंटरेक्शन हम लोग आपस में करें ताकि ऐसा महसूस न हो कि हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वही आनंद हम लोग लेंगे जैसा कि पहले जो कक्षाएं होती रही हैं, जितना इंटरेक्ट हम लोग करते रहे हैं, जो आपके मन में जिज्ञासाएं हैं उसको आप पूछते रहिए, हम लोग बात करते रहेंगे, समय पर्याप्त है। मैं इसी के साथ आज अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।